सर सबसे बड़ा मेरेकल तो हुआ सर कि मेरे हस्बैंड का प्रमोशन नहीं हो रहा था, काफी सालों से रुका था और वर्क छोड़ दिए थे, बट अचानक ही उनका प्रमोशन हो गया, उनका रैंक लग गया। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में चीफ इंजीनियर है सर मेरे हस्बैंड, नेचुरली बॉर्डर रोड्स में है तो डिफिकल्ट एरिया में वर्क करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं वहाँ, सभी लोग मेहनत करते हैं, बट एक वाइफ होने के नाते मुझे लगता था कि इनका सभी तारीफ करते हैं बट उच्च लेवल की इनकी प्रशंसा नहीं होती है, तो मैं हमेशा प्रेयर करती थी और मेरा प्रेयर भगवान ने सुना, एंजल ने सुना, बेसिकली एंजल ने सुना क्योंकि मैं एंजल से जुड़ी थी उस समय। और अचानक ही 26 जनवरी 2024 में उनको BSM का अवार्ड मिला सर, विशिष्ट सेवा मेडल, राष्ट्रपति अवार्ड सर। और सबसे बड़ा एक और मिरेकल हुआ सर, जब मैं ज्वाइन की थी उसके अभी कुछ मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स हुए होंगे, मेरी डॉटर नोएडा में रहती थी, मैं उस समय असम में डुमडुमा में थी हस्बैंड के साथ। 8 बजे मैंने फ़ोन किया अपने डॉटर को, मैंने कहा बेटा आज बाहर जाना तो गाड़ी स्लो चलाना और केयरफुली चलाना, वैसे मैं आर्कएंजल माइकल को भेज रही हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास उनको लेके जाना मेरे साथ, और एंजल सिंबल में बना करके बच्चों के पास रखती हूँ, वो उनके पर्स में, उनके वॉलेट उसमें, मोबाइल के साथ उनके हाथ में हमेशा रहता है, तो मैंने कहा वो ले करके जाना अपनी गाड़ी में, पेपर ले के जाना। उसने बोला ठीक है मम्मा। 9 बजे सर उसका भयंकर एक्सीडेंट हुआ, भयंकर। एक रोड पे रेड लाइट पे खड़ी थी, एक गाड़ी ने पुश किया और दूसरे रोड की तरफ चली गई है, ओहो और सर उसका एयर बैग सारे निकल गए, कांच टूट गया, आगे का दोनों डोर जो है लॉक हो गया, और उधर से किया एक गाड़ी लेकर के आई जो कि पलट जाती गाड़ी, बट उसके थ्रू वो रुक गए, जैसे वो एंजल ही आकर के रोक दिए। और इसको ये बड़े आराम से बेल्ट इसने खोला, पीछे आई, दिमाग तगड़ा चलने लगा, पीछे आई, पीछे आकर के गेट खोला, बाहर निकली, बाहर निकल करके बोल जो है एकदम रिलैक्स हो गई। असर इसको बहुत हल्का फुल्का चोट लगा था, गाड़ी देख करके सब यही कह रहे थे कि जो इसके अंदर होगा वो बच्चा नहीं होगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ममता मिश्रा सर। ममता कहाँ से हैं आप? सर वैसे तो मैं बनारस से हूँ लेकिन मैं नोएडा में रहती हूँ, ग्रेटर अच्छा, नोएडा में। कितने साल की हैं आप? 55 मैं 55 की हैं। और क्या करती हैं आप? मैं हाउस में करूँ सर। उसमें करें तो मुझे सबसे पहले ममता आप यहाँ से बताइए कि आपकी जर्नी एंजल के साथ कहाँ से शुरू हुई? सर मैं फेसबुक ऐसे ही देख रही थी, आपका पॉपअप आया सर 7 फरवरी 2023 में, और मैं विदाउट डिले मैं तुरंत ज्वाइन कर ली क्योंकि एंजल के बारे में सुना था मैंने, बट मैं जानना चाहती कि होती क्या है, क्योंकि एंजल सिर्फ स्टोरी थी बचपन की करेक्ट। सर। और मैं ज्वाइन की 7th को, और मैं तो बोलूँगी Day 1 से मिरेकल शुरू हो गया मेरे लाइफ में। तो फिर और सबसे पहले बताइए कि क्या क्या मिरेकल्स आपके एंजल्स के साथ जुड़ने के बाद हुए हैं? सर सबसे बड़ा मिरेकल तो हुआ सर कि मेरे हस्बैंड का प्रमोशन नहीं हो रहा था, काफी सालों से रुका था और वर्क छोड़ दिए थे, बट अचानक ही उनका प्रमोशन हो गया, उनका रैंक लग गया। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में चीफ इंजीनियर है सर। ओके, फाइन फाइन फाइन। तो ग्रेट ग्रेट। जी सर, उस समय मैं असम में थी, और असम में सर अचानक ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि मेरे आसपास कंटिन्यूसली कलरफुल डिफरेंट डिफरेंट शेप की तितलियां खूब घूमती थी, वहाँ के लोग बोले कि मैम पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ तो सिर्फ व्हाइट और येलो होती है, ये कहाँ से आ रही है मुझे कुछ पता नहीं, बट मुझे आभास हो गया था कि मेरी एंजल है सारी और कुछ नहीं है, और मेरा विश्वास ऐसे बढ़ता गया सर। और फिर अभी लास्ट जनवरी में ऐसा हुआ सर कि मेरे हस्बैंड नेचुरली बॉर्डर्स में है तो डिफिकल्ट एरिया में वर्क करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं वहाँ, सभी लोग मेहनत करते हैं, बट एक वाइफ होने के नाते मुझे लगता था कि इनका सभी तारीफ करते हैं बट उच्च लेवल की इनकी प्रशंसा नहीं होती है, तो मैं हमेशा प्रेयर करती थी। और
मेरा प्रेयर भगवान ने सुना, एंजल ने सुना, बेसिकली एंजल ने सुना क्योंकि मैं एंजल से जुड़ी थी उस समय। और अचानक ही 26 जनवरी 2024 में उनको BSM का अवार्ड मिला सर, विशिष्ट सेवा मेडल, राष्ट्रपति अवार्ड। अरे वाह वाह लवली। और उस समय मतलब मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि तुम्हारे माइकल तो बड़े तेज सुनते हैं तुम्हारी बात। बहुत अच्छा लगा सर, मेरे मिरेकल तो इतने ज्यादा हैं, वाओ मोमेंट्स वाले, कि क्या क्या मैं बताऊं नहीं आप सर। बताइए, आप बिल्कुल बताइए, वाओ मोमेंट्स आप बताइए अपने। और सबसे बड़ा एक और मिरेकल हुआ सर, जब मैं ज्वाइन की थी पोस्टें, अभी कुछ मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स हुए होंगे। मेरी डॉटर नोएडा में रहती थी, मैं उस समय असम में डुमडुमा में थी हस्बैंड के साथ। अचानक ही सुबह मैं उठी, हस्बैंड से मैंने बोला कि मेरा मन घबरा रहा है, मुझे कुछ लग रहा है कि मेरी बेटी के साथ बुरा होने वाला है। तो मैं फोन करती हूँ, हस्बैंड ने बोला क्यों अभी तंग करोगी, सुबह सुबह छुट्टी का दिन है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं बहुत बेसब्री से टाइम का इंतजार करती रही, एंजल को प्रेयर करती रही। 8 बजे मैंने फोन किया अपने डॉटर को, मैंने कहा बेटा आज बाहर जाना तो गाड़ी स्लो चलाना और केयरफुली चलाना, वैसे मैं आर्कएंजल माइकल को भेज रही हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास उनको लेके जाना अपने साथ, और एंजल सिंबल में बना करके बच्चों के पास रखती हूँ, वो उनके पर्स में, उनके वॉले उसमें मोबाइल के साथ उनके हाथ में हमेशा रहता है। तो मैंने कहा वो ले करके जाना अपनी गाड़ी में, पेपर लेके जाना। उसने बोला ठीक है मम्मा। 9 बजे सर उसका भयंकर एक्सीडेंट हुआ, भयंकर। एक रोड पे रेड लाइट पे खड़ी थी, एक गाड़ी ने पुश किया और दूसरे रोड की तरफ चली गई है, ओहो और सर उसका एयर बैग सारे निकल गए, कांच टूट गया, आगे का दोनों डोर जो है लॉक हो गया, और उधर से किया एक गाड़ी लेकर के आई जो कि पलट जाती गाड़ी, बट उसके थ्रू वो रुक गए, जैसे वो एंजल ही आकर के रोक दिए। और इसको ये बड़े आराम से बेल्ट इसने खोला, पीछे आई, दिमाग तगड़ा चलने लगा, पीछे आई, पीछे आकर के गेट खोला, बाहर निकली, बाहर निकल करके बोल जो है एकदम रिलैक्स हो गई। असर इसको बहुत हल्का फुल्का चोट लगा था, गाड़ी देख करके सब यही कह रहे थे कि जो इसके अंदर होगा वो बच्चा नहीं होगा। वाह और ये बोली कि मम्मा मुझे लग रहा था कि मैं कर नहीं रही हूँ, मेरे से करवाया जा रहा है, ये ओहो कर ये कर ये कर। उसके बाद तो ये फिदा हो गई है सर। कुछ भी होता है तो बोलती है मम्मा एंजल को बोलो ना। लवली लवली लवली। आई एम रियली तो सर वो अभी अच्छी वाली मेरे सामने है और गाड़ी तो कंडम हो गया, वो रद्दी के भाव गया, बट मेरी बेटी सही सलामत है सर। और ये सारा कुछ एंजल की ब्लेसिंग है सर, सारी लवली लवली। उनकी ब्लेसिंग है। इस तरह से काफी मिरेकल है सर। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, हर दिन मिरेकल हो रहा है, हर एक सेकंड। मैं तो अपना सारा निर्णय छोड़ दी हूँ एंजल के ऊपर, कुछ वाह भी मुझे निर्णय लेना होता है मैं कुछ सोचती नहीं, मैं बोलती हूँ एंजल आप बताओ मुझे ये करूँ या नहीं करूँ, कुछ आप सिंबल दिखाओ मुझे, तो कुछ ऐसा ना कुछ कुछ ना ऐसा ऐसा हो जाता है कि मैं वही करती हूँ जो वो चाहती हूँ, वाह लवली। वही मैं करती हूँ। और मेरा सुबह शुरू होता है एंजल से, रात होती है एंजल से, और इसका पूरा श्रेय आपको जाता है सर, अरे आपका बड़ा आपने पन मिलवाया है सर। और मेरे तो थैंक एंजल आप ही हो सर। यू सो मच ममता। आप मतलब अगेन वंस अगेन आप ज्यादा, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जब आपने, एक मेरा क्वेश्चन भी माइंड में आ रहा है बीच बात करते करते, मुझे बताइए कि जब आपने बताया कि जब आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था तो उससे पहले एंजल्स के बारे में आपने बताया कि मुझे हल्का फुल्का पता था, ज्यादा नहीं पता था, जी सर, जी सर, बस कहानियों में सुना था सर। बस कहानियों में सुना था। तो कि जब आपने शुरू किया तो कहाँ से शुरू किया, वो 21 डेज एंजल मैनिफेस्टेशन से ट्वेंटी शुरू, वन डेज सर, उससे पहले आपको मेरे बारे में पता था? नहीं सर बिल्कुल नहीं, वही वही मैं फेसबुक पे ही देखा था मैंने। अच्छा ओके फाइन फाइन। और लेकिन इतने सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद बहुत सारे ऐसे ममता लोग होंगे जो इस वक्त आपको देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, जी और इस सर, वक्त उन्हें मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर वाव फैक्टर आ रहा होगा, बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहे होंगे, बहुत सारे लोग जिज्ञासु भी होंगे राइट, जानने के लिए उन्हें लग रहा होगा कि एंजल्स होती हैं नहीं होती हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो होम मेकर होंगी, वो जी लाइफ सर, स्टार्ट करना चाह रही होंगी एंजल्स से, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ से शुरू करना है। ऐसे जी सर, लोगों जी
आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर मैसेज तो मैं यही दूंगी कि उनको मतलब वो उनको एंजल खुद लाती हैं, उनको खुद चुनती हैं, तो वो चुनी जा रही हैं, तो उसको इस मोमेंट को वो खोए ना, पकड़ ले और विश्वास के साथ पकड़े, और मिरेकल तो डेफिनेटली होगा सर, इसमें 1% भी चांस नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ है ही नहीं, होगा ही होगा। और मैं तो ये बोलूंगी कि जो ये छींटे पड़ रहे हैं ना एंजल के ब्लेसिंग के, उसमें वो भींगे बहुत जरूरी है, और जो मजा भींग करके है ना वो दूर खड़े होकर के नहीं है। लवली लवली लवली। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो स्पेशली ऐसी बहुत सारी होम मेकर होंगी जिनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज चल रहा होगा, उसके परिवार के साथ कुछ चैलेंज चल रहा होगा, रिलेशन में कुछ चैलेंज चल रहा होगा, जी सर, और वो भी चाह रही होंगी उससे बाहर आ जाए, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना शुरू चाहेंगी? कहाँ से शुरू करें जर्नी को अपनी? वो उनसे तो मैं बोलूंगी 21 डेज आप ज्वाइन करो और कंटिन्यूअसली रखो और जुड़े रहो, क्योंकि हर दिन मिरेकल है और नेचुरली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो खुद भी करेंगी और एंजल तो सपोर्ट करेंगी ही करेंगी, क्योंकि जो पैटर्न मैंने देखा है अभी तक का वाव मोमेंट वाला ही पैटर्न है सारे, उसको बहुत मतलब ग्रेसफुल है। और मैं तो ये देखी हूँ कि मेरे अंदर बहुत चेंजिंग आई है सर, बहुत ही चेंजिंग आई है, मेरे गुस्सा के ऊपर, मेरे निगेटिव थॉट के ऊपर, और मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, बट अब लग रहा है कि अब कोई ऐसा चीज नहीं जो कि मैं नहीं कर सकती, मोटिवेशन। आपका कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जी सर बहुत ज्यादा, और मैं कुछ भी होता है तो मुझे फटाक से लगता है कि यार मैं हीलिंग कर लेती हूँ एंजल का, ये फटाफट सॉल्व हो जाएगा, होता है सर, होता है। मैंने एक और एक्सपीरियंस है सर, एक लेडी थी जो कि प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, और अचानक ऐसे बात बात में मुझसे रोने लगी मेरे सामने ही, मैं उस समय तुरंत सर सीरियसली बताऊँ, मैं आपका चेहरा याद थी और एंजल को याद थी, मैंने कहा यार तुम कुछ भी मत बोलो, ये बोलो कि रिसीविंग रिसीविंग रिसीविंग, और कुछ नहीं बोलना सर, मुझे उसमें पता नहीं था कि मुझे उससे क्या बोलना चाहिए, बट जो भी कह लेंगे एंजल ने बुलवाया या जो भी हुआ सर, उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, बोला था कि ये तो आपका चमत्कार होगा अगर आप हो गए, और सर आज 8 8 मंथ हो गया उसको कंसेप्ट की हुई है सर, वाह, वो भी विश्वास पे उसने किया रिसीविंग, जो कि पता नहीं एंजल ने बोला कि यही बोलो लवली लवली मैंने एक्सपीरियंस। यही बोल दिया, और इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफी बड़ा सर। और एक और भी है मेरा सर, मेरे बच्चों ने अभी मदर्स डे पे मुझे इयररिंग्स गिफ्ट किया था डायमंड का, अच्छा और मैं जा रही थी सुबह अपने नाती को, अपने बेटी के लड़के को छोड़ने स्कूल, और पता नहीं उस दिन संजोग था, गाड़ी लेके मैं नहीं गई, ई रिक्शा से चली गई, इयररिंग मेरा गिर गया, 9 बजे के आसपास के, 9:30 बजे के आसपास की बात है, गिर गया मैं मेरे सोसाइटी के अपोजिट सर्वोदय हॉस्पिटल है उसके गेट के पास, और गिर गया मैं, मेरे घर में मेरी भाभी भी आई हुई थी, तो आकर के वो देखी तो कहती है दीदी आपका ऑटोप्सी एक कान में है एक कान में नहीं है, तो मैंने टच किया तो उसका पीछे का था आगे नहीं था, मैं रिलैक्स थी, मैंने कहा मेरे माइकल ला करके मुझे देंगे, मुझे नहीं ढूंढना, वो सारे लोग लिफ्ट में देखे बाहर जाके देखे वो अरे परेशान है, मैं आराम से बैठ करके ब्रेकफास्ट खाई, फिर जो 1 बजे के आसपास मैंने कहा उसकी छुट्टियों की मैं लेने जा रही हूँ, भाभी से मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ लेने, अपना टब्स लेने भी जा रही हूँ, माइकल ढूंढ के रखे हैं अच्छा सर, मैं उसके स्कूल गई, उसको पिक किया, और मेरी नीज भी साथ में थी, उसको पिक किया मैंने, मुझे दूर से लगा कि कुछ फ्लैश लाइट मेरे आंख में आ गई है, और मुझे लगा कि ये क्या हुआ मतलब कुछ, फिर मैंने सोचा कोई कांच वगैरह होगा, बट मैंने कहा कि नहीं, ऑटो को रुकवाया, अपनी नीज को बोला कि शौर्य को पकड़ना मैं आती हूँ, मैं रोड क्रॉस करके गई, वहां एक गाड़ी के पास नीचे बस मस्टर्ड सीड के बराबर चमक रहा था, मैंने हाथ लगाया तो मेरा टब्स था सर, वाह वाह, इतनी गाड़ियां आती हैं रोड पे, लवली लवली। और जब मैं घर आई तो मैंने सबको बताया, सब लोग कह रहे कि यार
तुम तो कमाल की हो, तुम्हारे माइकल कमाल के हैं, तुम्हारे एंजल कमाल के हैं सर। लवली, वाह, इतने मिरेकल होते हैं ना कि मुझे तो खुद याद भी नहीं रहता कि मैं। ग्रेट, लवली ममता। अगर आपकी एंजल्स के साथ जो आपने बताया, जो जो आपने स्टार्ट की अपनी जर्नी को, अगर एंजल्स आपके जीवन में नहीं होते तो जीवन आज कैसा होता? सर वैसे ही जी रही होती, निगेटिव थॉट ले करके और रो रो करके कि मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं हूं मैं, और मेरी कोई अस्तित्व नहीं है, बस ऐसे ही जी रही होती। अभी तो मुझे लगता है कि सब मेरी मुट्ठी में है। तो जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड का प्रमोशन हुआ, हस्बैंड को ये राष्ट्रपति जो अवार्ड आपने बताया, साथ में अपनी बेटी का जो एक्सीडेंट आपने बताया कि ये जो आपने रिंग्स वाला बताया, इस ऐसा तो उसमें लग रहा है कि सारी फैमिली इस वक्त तो आपकी फैन होगी। जी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे जानने वाले, मेरी फ्रेंड सब बोलती हैं, कुछ भी होता है कि यार अपने एंजल से तो मेरे प्रेयर करो। वाह, लवली, मैं बोलती हूँ कि आप लोग आ जाओ, आप लोग पक्का आ करके 21 डेज में एक बार ज्वाइन करो, देखो। बट वही है सर, जब एंजल बुलाएगी तो आएंगे, एग्री करते हैं, बट कुछ ना कुछ उनका प्रॉब्लम चलता रहता है। आएंगे तो जरूर सर वो लोग, कुछ लोगों पर ममता, तो मुझे पूरा विश्वास है। जो लोग आपको इसमें देख रहे हैं वो शायद बहुत ही, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, खुश भी हो रहे होंगे आपकी सक्सेस वगैरह को सुन के, और वो चाहते होंगे हमारे भी जीवन के अंदर कुछ सक्सेस आए। तो मेरा फिर से ये क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि वो अपनी जर्नी को एंजल्स की कहाँ से शुरू करें। सर वही 21 डेज है सर, उसमें आए वो, और आएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है जाएंगे नहीं, वो उनकी जर्नी थ्रू आउट रहेगी। और मैं एंजल से प्रेयर करूंगी कि उनकी लाइफ को सुधारने के लिए वो लेके आए, लेकिन वाह, वो चले, क्योंकि वो उनको आना ही पड़ेगा सर, उनको आना ही चाहिए, उनको आना चाहिए अपनी लाइफ में आगे कुछ करने के लिए। क्योंकि ये जो जीवन मिली है ना सर, सिर्फ वो किचन में चूल्हा चौका करके या अपने आप को ब्लेम लगा के ये सब करके नहीं जीना चाहिए। और वो 21 डेज से शुरू करें सर, शुरू करें, उनको खुद पता लगेगा कि ये क्या है, और करना चाहिए उनको, पीछे नहीं हटना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए उनको सर। ग्रेट ममता, थैंक यू सो वेरी मच। आपने इतना अपना बहुमूल्य समय यहाँ पे दिया, इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आपने हमारे साथ शेयर किए हैं, और बहुत सारे लोगों को आपने मोटिवेट और एक इंस्पायर। प्लीज एक्सपीरियंस और है सर, मुझे याद आ गया सर। प्लीज। एक बार मेरे हस्बैंड जा रहे थे, फ्लाइट में जा रहे थे, और उनको लेट हो रहा था, और ऊपर से अभी 11:20 का फ्लाइट था उनका, डिब्रूगढ़ जा रहे थे असम, और यहाँ से 10-15 मिनट लेट हुए थे, और ऊपर से कैब ड्राइवर भी ऐसा मिल गया कि बहुत स्लो चला रहा था। 10 बजे वो इंडिया गेट पहुंचे थे, ओके, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि ममता कुछ कर, एंजल को बता, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी और मेरी मीटिंग है, मेरे जाना जरूरी है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप अपना कैमरा ऑन करो और मुझे ट्रैफिक की तरफ दिखाओ। मैंने सिंबल ड्रॉ किया सर, और एक सिंबल मैं बना कर रखी सर, अरे सबके रूम में और सबके पास रखा हुआ है सर, ओके, मेरे ग्रेट, हस्बैंड के डेस्क पे भी ऑफिस थे। तो मैंने कहा कि आप कराओ, मैंने सिंबल ड्रॉ किया, और 11 बजे वो एयरपोर्ट पहुंच गए। सारा कुछ बंद हो गया था, लगेज वगैरह का सब, सबने बोला कि अब तो नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा कि आप माइकल का नाम लो, माइकल का नाम लेकर के आप आर्कएंजल माइकल से बोलो मैं भी प्रेयर कर रही हूँ, 100% आप जाओगे सर। वो पूरा लगेज ले करके, जो केबिन में नहीं जा सकता था वो भी ले करके ये चढ़ गए, और उसमें राइट इनका सेविंग का सारा सामान था, सीजर वगैरह सब था, जो कि अलाउ नहीं है, अब तो ब्रश भी अलाउ नहीं करते हैं, करेक्ट, वो सब था, फिर भी वो लेके चढ़ गए सर, उतना बड़ा बैग। और फिर उसके बाद कहे कि यार मान गए तुम, आर्कएंजल माइकल को मत छोड़ना, तुम अपने नितिन सर को मत छोड़ना, हाँ बिल्कुल मत छोड़ना। तो सब यही बोलते हैं कि प्रेयर करो। लवली 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 ममता, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि यहाँ पर आके इतने सारे लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना कि कहीं ना कहीं वो भी अंजल से हेल्प ले सकें, वो भी अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना सकें, विद स्पेशली ममता, विद लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू ऑलवेज सर, ब्लेसिंग्स, ब्लेस यू। ऑलवेज ब्लेसिंग्स, लवली।